subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुस्सत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाइन्थ क्लास उर्दू ये पहला ख़िता है जिसे शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौख़ ने तहरीर किया है। इसके सवालात के जवाबात और सरगर्मियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद है पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ख़िते की सवाल जवाब और सरगर्मियाँ। ख़िते में तू से मुराद डैश है, सामी शायर पढ़ने वाला पढ़ाने वाला। दूसरा, शायर की नसीहत को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तीसरा, रदीफ़ और खाफिये को अलग कीजिए। चलिए जवाब देखते हैं। ख़िते में तू से मुराद सामे यानी सुनने वाला है। दूसरे का जवाब है, शायर ने इस ख़िते में यह नसीहत की है कि हर शख्स को अपना मुहासबा करना चाहिए। अगर कोई इसकी तरफ उंगली उठाता है तो बजाय बुरा मानने के इस बुराई को दूर करना चाहिए। ख़िते के रदीफ़ और खाफिये। रदीफ़ है इसके खाफिये, सकता जानता मानता। ख़िते का ख़ुलासा। इस ख़िते में शायर ने इंसानी फितरत के एक पहलू को बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। इसका अंदाज़ नासेहाना है, नासेहाना यानी नसीहत करने वाला। वो ख़ुद को मुखातिब करते हुए कहता है कि ऐ ज़ौख़, अगर तू भला और नेक है, तेरी फितरत में नेकी और अच्छाई है, तो तू हरगिज़ बुरा हो नहीं सकता। दुनिया तुझे लाख बुरा समझे, बुरा जाने, वही लोग बुरे होते हैं जो किसी अच्छे और नेक इंसान को महज अपनी ज़ाती परख्वाश की बिना पर बुरा कहते हैं। अगर तेरी फितरत में कोई ख़राबी है तो तुझे मुहासबा करना चाहिए, बुरा मानने के बजाय इस्लाह करनी चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।